तो आज की हमारी क्लास में हम बात कर रहे हैं एक छोटी सी फॉर्मेटिंग। हम बात करेंगे किसी भी तरह के ऑटो फॉर्मेट कैसे तैयार किए जाते हैं। ऑटो फॉर्मेट से मतलब ये है कि आप एक ऐसी फॉर्मेटिंग तैयार करें जो आपको हर महीने कुछ उस पर तैयार न करना पड़े। मान लीजिए कुछ ऐसी रिपोर्ट है आपकी जो हर महीने हर वीक आपकी जाती है, तो आपको हर महीने हर वीक जो चेंज करेंगे उसके अंदर जो चेंजिंग करेंगे वो ना करना पड़े। एक ही फॉर्मेट हो और हर महीने हमारा फॉर्मेट महीने के हिसाब से वीक के हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। जैसे कि अटेंडेंस की बात कर लेते हैं कि आपको हर महीने अटेंडेंस लगाना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि हर महीने जब अटेंडेंस लगाएं तो मेरा अटेंडेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, राइट? तो वो कैसे होगा? जी तो चलिए आपको हम बताते हैं कि कैसे करेंगे। हम यहाँ पे आप लोग रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। हाँ हम यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे इम्प्लॉय कोड, और यहाँ देते हैं नेम, यहाँ देते हैं डिपार्टमेंट और डेट ऑफ ज्वाइन। और मान लीजिए मैं जुलाई महीने का लगा रहा हूँ तो यहाँ जुलाई महीने का डेट दे दिए। अब जनरली लोग क्या करते हैं, डेट को पकड़ के ड्रैग कर देते हैं, लेकिन ये मत कीजिए। आपको डेट करना है तो हम क्या सलाह देंगे आपको कि आप जो है पहले वाले डेट को सेलेक्ट करें, उसमें प्लस वन करें और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग करें, राइट सर? ऐसा इसलिए बोला ताकि यहाँ पे अगर अगले महीने जब नवंबर में मुझे सॉरी अगस्त चल हाँ नवंबर में अगर चेंज करना होगा तो जस्ट हम यहाँ पे नवंबर की डेट डालेंगे, सॉरी सितंबर की डेट डालेंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा। सर, हमने क्या किया सर? प्लस वन हमने क्या किया। है कुछ, हमने इससे पहले वाले डेट में प्लस वन करके उसको कॉपी पेस्ट कर दिया तो इंक्रीज होता है ना। तो E5 यहाँ पे था, जी E5+1 था, जब इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट किया तो क्या हो गया, F5+1, मतलब दो में जोड़ दिया। यहाँ जी पेस्ट हुआ तो तीन में जोड़ दिया, G5 जी हो गया। क्या जी समझे? जी तो इसे क्या हुआ, पूरा डेट एक दूसरे से चैन है कि एक कनेक्टेड है अपने आगे वाले से, एक कनेक्टेड है अपने आगे वाले से, एक कनेक्टेड है अपने आगे वाले से, तो जी चैन की तरह हो गया। ठीक है, एक चेंज करेंगे बाकी सब ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, राइट? जी सर अब इसके अंदर मुझे ये डालना है, मतलब कि जुलाई जो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर यहाँ पे वीक डे आना चाहिए। तो वीक डे अगर मैनुअल डालेंगे तो डेट चेंज होगा तो दिक्कत हो जाएगी ना सर। मैं जी संडे मंडे जो डालना है अगर मैनुअल डाल देंगे कि हाँ भाई 1 जुलाई जो है पिछले साल पिछले महीने 1 जुलाई हमारा फ्राइडे को था, अब मैनुअली फ्राइडे लिख के ड्रैग कर देंगे तो वो तो जाएगा, पर फिर ये डेट चेंज वो होगा तो तो ये जाएगा चेंज नहीं ना होगा। नहीं। तो देखिए जैसे कि मैंने इक्वल करके इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इक्वल करके सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर नंबर फॉर्मेटिंग होता है ना, आप राइट जी क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे भी जा सकते हैं और वहां से नंबर पे आइए, और नंबर पे यहाँ आपका कस्टम होता है। कस्टम में टाइप में मैं अगर 3 बार DD कर दिया तो फ्राइडे दिखेगा, राइट सर? जी देखिए फ्राइडे जस्ट दिख रहा है, एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में आपका डेट ही है। देखिए मुझे एक्चुअल में फ्राइडे चाहिए, तो जो कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर चीजें अप्लाई करते हैं वो हम टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। DDD आ गया सर, जी ठीक है महेंद्र यस जी, जी 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 यस समझे? समझ में आ रही है सर। जी समझ गया सर। आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? अब इसको भी हम सेम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और पूरा एरिया सेलेक्ट करके हम क्या कर देंगे, पेस्ट, जी Ctrl+C एंड Ctrl+V, हो गया? तो आप देख रहे हैं फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे आया, अगर मैं यहां चेंज करता हूं जो नौवां महीना डालता हूं तो अपने आप चेंज हो गया ना सर। यस अब चलिए हम डेट बनाते हैं, हम यहाँ पे कुछ डेटा तैयार कर लेते हैं 10-15 लोगों का। सर,
यहाँ पे 1 अगस्त डाल दीजिए सर, आज क्योंकि आज अगस्त स्टार्ट हो गया है। चलिए आपने बोला तो डाल दिया। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे कर दिया एचआर ऑप्स एडमिन। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग हमने डाल दिया एक राइट सर। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। अच्छा एक बताइए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अटेंडेंस सीट पे क्यों होता है? क्योंकि सर उससे पता चलता है कि उसका ज्वाइनिंग कब से वो जॉब कर रहा है। क्यों पता करें? मान लीजिए कोई अगर 20 साल बंदा पुराना बंदा है, उसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग जान लेना, क्या कर लेंगे? क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट तो उसको नहीं, अंदर वो में तो रहता है ना, डेट हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इसकी ज्वाइनिंग इतना तारीख को हुआ है, लेकिन इससे बेनिफिट क्या है जानने से? तो आप बताना ही पड़ेगा। हाँ इसका बेनिफिट बताते हैं कि अब जैसे अटेंडेंस सीट पे जरूरी नहीं कि सब पुराना बंदा हो, कुछ नया बंदा भी तो होता है जो 2-3 पहले पहले जॉब ट्राई किया हो। तो कंपनी में एक पेड लीव की पॉलिसी होती है, पता नहीं आप लोगों कंपनी की क्या पॉलिसी है, बट हमारे कंपनी की पॉलिसी थी कि 90 दिन या 180 दिन जब तक आपकी अटेंडेंस नहीं होती है कंप्लीट, तब तक आपको पेड लीव नहीं दिया जाएगा। आपकी पेड लीव काउंट होगी, कैरी होगी, बट दिया नहीं जाएगा। समझ में आया सर? जी सर। तो किसी कंपनी में ज्वाइन किया और पहले महीने आपने छुट्टी ले ली, तो एचआर आपको उस छुट्टी का पैसा काट लेगी। भले ही महीने में आपको 2-2.5 छुट्टी बचा हो, फिर भी काट लेगी, क्योंकि आपका अभी कौन सा पीरियड बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा, वो पीरियड पूरा नहीं हुआ है, मतलब कि 180 दिन या 90 दिन पूरा नहीं हुआ है। अब कोई कंपनी 180 दिन रखती है, कोई कंपनी 90 दिन रखती है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो जब अटेंडेंस लगाएं उस समय हमें पता, उसकी अगर किसी की हम पेड लीव लगा रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी ज्वाइनिंग कब हुई है। आगे चल के इस पे हम फॉर्मूला भी लगा सके कि अगर पेड लीव अगर लेस देन 180 डेज है तो पेड लीव ना ले, इस तरह की फॉर्मूले भी हम लगा सकते हैं इन फ्यूचर में, इसलिए हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग को डालते हैं। ठीक है सर? जी सर। अब अटेंडेंस हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक पेज पे प्रिंट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना सर? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर में एक मंथ का कॉलम लगा दूंगा, पता तो चलना चाहिए कौन सा मंथ है। 2-3 को मर्ज कर दिया, इक्वल करके मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया, 1 अगस्त आ गया। अब 1 अगस्त लेके क्या करेंगे हम, कस्टम में जाके यहां वापस हमने 3 बार एमएम कर दिया एंड वाई कर दिया, तो क्या आ गया अगस्त 2022। अब सही दिखा है। फिर हम डेट को सिलेक्ट करके इसी के ऊपर राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और वही कस्टम पे जाके मैं सिर्फ 2 बार डीडी कर देता हूँ तो ये 0123 के फॉर्मेट में आ जाएगा। और पूरी सीट को फिर सिलेक्ट किया और किसी भी एक कॉलम के ऊपर जाके डबल क्लिक कीजिए कॉलम की बॉर्डर पे, तो क्या हो जाता है ऑटोफिट। ऑटोफिट मतलब कॉलम को जितना साइज चाहिए उतना ही लेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा, नहीं लेगा। और अब इसकी प्रिंटिंग सेटिंग करने से पहले आप इसको कर दीजिए पोर्ट्रेट की जगह पे लैंडस्केप, और इसकी मार्जिन को थोड़ा सा कर दीजिए नैरो, ठीक है, और स्केल 1 to 1 फिट कर दीजिए। अब रीडेबल भी है और एक पेज पे आ भी रहा है, ठीक है। अब यहां एक प्रॉब्लम और आ जाती है कि मुझे मेरी कंपनी में सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है। क्या होता है? सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है, राइट। तो मैंने क्या किया कि कर्सर रखा और गया न्यू रूल्स में। न्यू रूल्स में जाने के बाद यूज फॉर्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ये महेंद्र जी बताया था आपको मैंने, ये हम क्या लगाएंगे, और
और मतलब क्योंकि दो कंडीशन, सैटरडे संडे दोनों है ना, अब दोनों कंफर्म जी नहीं है ना, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है ना। जी जी और यहां हमने कर दिया इसको सेलेक्ट और डाल दिया कि इक्वल टू सैटरडे कॉमा, अगेन इसको सेलेक्ट किया और बोला इक्वल टू संडे, ठीक है। जी और इसमें हम E4 का I की जो वैल्यू है वो रहने देते हैं, E के सामने की वैल्यू हटा देते हैं, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम कलर कर देते हैं फिल एरा, ओके। फिर फॉर्मेट प्रिंटर लिया और पूरे डेटा में मैंने पेंट कर दिया। उसके अलावा मैं चाहता हूँ लीव हो तो देन इक्वल टू L, और यहाँ कस्टम बॉर्डर में गया और इसको सेलेक्ट करके और इसको दूसरा कलर कर देता हूँ रेड कलर, या आप कोई और कलर करना चाहते तो कोई और कलर कर दीजिए, ओके। ताकि कोई लीव अगर यहाँ डालेगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। जी अब यहाँ पे कुछ और स्टार चले तो आई हैव द होली लिस्ट, मेरे पास क्या है, होली लिस्ट है कि कौन माने कि पूरे साल में क्या क्या छुट्टियां हुई है, ठीक है सर। बीस तारीख, 6, 7, 1 और 8, 1 को छुट्टी है, सॉरी 8, 8 को छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी कर दी। अब मैं चाहता हूँ जिस दिन छुट्टी है ना सर वहां क्या हो जाए, वो अलग कलर से आ जाए, तो कैसे होगा। होगा तो कैसे पता चलेगा कि ये जो डेट यहाँ डाला हुआ है 1 अगस्त, वो होली वाले एक कॉलम में है या नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर वी लुकअप लगा लेते हैं, बट वी लुकअप लगाएंगे तो फिर एनी रिजल्ट आएगा। यहाँ पे काउंट इफ सही होगा कि काउंट इफ की फॉर्मूला में एच कॉलम में जाएंगे हम, कॉलम ए ले लिए और वापस C1 पे आएंगे और हम ले लेते हैं इस डेट को, तो क्या होगा सर कि बता देगा 1, मतलब कि है 1 का मतलब है, हाँ और 0 हुआ इसका मतलब नहीं नहीं है, ठीक है सर। अब मान लीजिए कि मैं यहां पे 7वां महीना डालता हूं तो देखिए 0 आया, इसका मतलब नहीं है। तो जब अगर काउंट इफ का रिजल्ट 1 आता है तो हाईलाइट कर दे, तो ये काउंट इफ के फॉर्मूला जो मैंने लगाया है इसी फॉर्मूले को कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा सा इसमें आगे ये चीज अंतर, लेकिन क्या होता है टॉपिक, जब भी हम लाइव टॉपिक करते हैं उसमें जरूरी नहीं कि उतना ही आएगा जितना आपको मैं बता चुका हूँ, कुछ चीजें आगे की भी आती है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और फॉर्मेट सेल पे गया और हमने इस बार इसको ग्रे कलर ले लिया, ठीक है। और यहां पे हमने सब डॉलर वो लगा रखा है, हाँ सब लगा रखा है ना, ओके। फिर हमने फॉर्मेट प्रिंटर से सारों जगह पे पेंट कर दिया, तो जब जी जिस दिन छुट्टी थी उस दिन क्या हो गया, ग्रे कलर लग गया, ये ऑटोमेटिक हो गया। एच कॉलम में पूरे साल की छुट्टी डाल दीजिए, उसी हिसाब से ऑटोमेटिक अपना कलर चेंज करते जी रहेगा, राइट सर। अब पेज लेआउट में जाके इसकी गिर लाइन हटा देंगे, थोड़ा सा और बेटर दिखेगा। हेडिंग वगैरह डालना है तो ऊपर आप हेडिंग डाल सकते हैं कि फलाना अटेंडेंस शीट है, जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हैं आप, डेली ठीक है सर।
ये तो फॉर्मेटिंग चीजें अब आपके अपने हाथ की है, अपने हाथ पे इसको कर सकते हैं। अब यहां अगला क्वेश्चन जो आता है वो क्या आता है, अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये तो जो ठीक है आपका 1 तारीख आ गया और 8 तारीख आ गया। अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर मैं यहां पे जून का डेट डालता हूं तो ये तो ये फिर 1 तारीख क्यों आ गया, तो गलत है ना सर। जी तो मैं फरवरी का डेट डालता हूं, ये देखिए क्या बढ़ गया। तो क्योंकि महीने का डेट चेंज होता है ना, इसलिए अब हमें जो कुछ ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है कि ना हो, मतलब कि आगे ना बढ़े। अब इसके लिए सर आपको लगाना होगा इफ का फॉर्मूला। अब ये जान लीजिए इफ का फॉर्मूला और ईओ मंथ का फॉर्मूला। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ईओ मंथ, वो क्या करता है कि किसी भी डेट को सेलेक्ट कीजिए, कॉमा जीरो कर दीजिए, तो उस महीने का लास्ट डेट पता चल जाता है। ठीक है सर। तो इस कंडीशन में हम कुछ नहीं 29 पे जाके छोटी सी एक फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ A6+1 है, मतलब कि जो सेल है उससे आगे वाली सेल में +1 करने पे रिजल्ट अगर ग्रेटर देन ईओ मंथ ऑफ स्टार्ट डेट कॉमा जीरो, मतलब कि इससे पहले वाले डेट कॉलम के जो डेट है F6 उसमें अगर मैं +1 करता हूं तो रिजल्ट अगर इस महीने की लास्ट डेट से ज्यादा आती है, इसका मतलब है कि तुम यहां पे इन्वर्टर घुमा में मैंने स्पेस को शो कर दिया, अदरवाइज इस पे +1 करो। बस सिंपल सा हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया। लेकिन प्रॉब्लम है कि जब फॉर्मूला लगेगा ना तो यहाँ एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि ये स्पेस है ना, स्पेस में प्लस तो 1 होगा नहीं, क्या सर। तो इसको हम इफ एरर में डाल के अब बोलते हैं कि अगर इफ का फॉर्मूला हमारा एरर देता है तो स्पेस शो कर दो, टाइम शो कर दो। हो गया सर, हमने फॉर्मूला में क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, ये खाली हो गया। अब देखिए क्या होगा कि अगर मैं अब 1 जनवरी का डेट डालता हूं तो 31 तक का पूरा आ गया, अगर मैं 1 जुलाई डालता हूं तो आ जाएगा सेम, अगर मैं 1 जून डालता हूं तो 30 तक ही आया सर, समझे। हेलो, सर अब प्रॉब्लम ये है कि फिर फॉर्मेटिंग क्यों आ रही है, क्योंकि अगर मैं यहां पे डाल रहा हूं तो यहां फॉर्मेटिंग आ रही है ना, फॉर्मेटिंग माने क्या नहीं हट रही है, 28 तक तो हुआ बट फॉर्मेटिंग नहीं हट रही है ना सर। फॉर्मेटिंग में हमें सिंपल सा एक फॉर्मूला यहाँ लगाना होगा, यहाँ पे पहले तो सबसे पहले तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो पहले यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, मैनुअल फॉर्मेटिंग यहाँ पे हम कर देते हैं नो बॉर्डर। ठीक, और इसको यहाँ से हम बॉर्डर लगा देते हैं। ओके, अब यहां पे हम फॉर्मेटिंग देंगे न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, और हम यहां पे बोलेंगे कि ये जो डेट है अगर वो नॉट नॉट इक्वल टू स्पेस है, माने कि स्पेस के छोड़ के बाकी सब कुछ है तो इसमें बॉर्डर लगा दो, और इसमें ए के आगे का जो डॉलर है वो हटा दीजिए एंड ओके, और फिर फॉर्मेट पेंटर लीजिए और ये 3 कॉलम जो हमारा है उस पर फॉर्मेट मार दीजिए, और हेडिंग में भी फॉर्मेट मारना पड़ेगा, लेकिन इसकी जो कस्टम फॉर्मेटिंग है वो तो हिल गई होगी, तो कस्टम में जाके इसको 2 बार डिलीट कर दीजिए, पहले करना चाहिए था हमको। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एक एक जनवरी डाला, एक फरवरी डाला, एक अप्रैल डाला, एक
एक जुलाई डाला। परफेक्ट है ना सर? सर अब इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया ना, तो इस पे जाइए मैनेज रूल, और ये जो पीला वाला है ना, पीला ग्रीन ग्रे, तीनों को डिलीट कर दीजिए। अब ठीक है, ये होती है ऑटोमेटिक फॉर्मेट। अब आप लोग इसको बना के देखिए, अगर बन जाता है तो खुशी की बात ही है, नहीं बनता है तो मतलब कि फॉर्मूले वगैरह में आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो थोड़ा सा इंतजार करना होगा फॉर्मूले सीखने के लिए। ठीक है,